कार्तिक महातम पांचवा अध्याय। अब पांचवा अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं, आप गौर करके सुनिए इसका क्या महत्व है, क्या कहानी है। तो राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मार्गों में विधिवत स्नान करने के विधि नियम और उद्यापन के विधि भी हमको बतलाइए और कुछ विशेष चर्चा कीजिए। तो देव ऋषि नारद जी जो हैं सो राजा पृथु से चर्चा किए कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात भगवान विष्णु स्वरूप हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको यथा उचित बतलाता हूँ। कहने का मतलब आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं, तो ठीक है सुना देते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे बाबा कथा कहेंगे सुनाएंगे, लेकिन आपको कौन सा बाबा पसंद पड़ते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो खैर जो भी हो, तो इनको नारद बाबा पसंद पड़ गए, उन्हीं से सुन रहे हैं। उसी तरह से हो सकता है कि आपको पहलवान बाबा पसंद पड़ जाए और आप इन्हीं से सुन लें। तो आसिन मास में शुक्ल पक्ष के एकादशी से कार्तिक व्रत करना चाहिए। आसिन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूरब या उत्तर दिशा में जाए। माने कि जब हम सो करके उठे तो उसके बाद मल मूत्र त्याग करने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं ना, गांव देहात की बात हुआ। पहले तो शहर और सिप्टी टैंक सब तो था नहीं, तो अब गांव से पूरब की ओर जाना चाहिए या उत्तर दिशा में जा करके यह सब क्रिया करनी चाहिए। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढक कर मुँह को बलपूर्वक भले भांति बंद करके थूक एवं सांस को रोक करके मल मूत्र त्याग करने के पश्चात, तो इसमें मल मूत्र त्याग करने की विधि बतलाया हुआ है, संक्षिप्त में दिया हुआ है, हम आपको बतला दे रहे हैं। तो पूरब या उत्तर दिशा में जाकर के क्रिया कीजिए, मलमूत्र का त्याग करना है। तो सुबह शाम जो भी हो, तो कान पर जनेऊ यहाँ से बांधिए और यहाँ से ऐसे लपेट करके इसे बांध लीजिए, यानी कि खाली सिर न रहिए। या ऊपर से आज के युग में जनेऊ न पहनते हों तो रुमाल वगैरह रखते हों या गमछे वगैरह है तो उसे माथा को बांध लीजिए, सिर को ढक लीजिए। तो पृथ्वी पर घास बिछा करके कहने का मतलब है कि वहाँ के घास को साफ कर दीजिए, चाहे ऐसे जगह पर मलमूत्र का त्याग कीजिए कि जिसको आसानी से हटा दिया जा सके या उसको ढक दिया जाए, टोप दिया जाए, जिससे कि वायु प्रदूषण ना हो। तो इस चीज़ को वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण इत्यादि चीज़ों पर धर्मशास्त्र में प्राचीन काल से ही आ रहा है, लेकिन आजकल हम लोग अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं और उसका बुरा परिणाम को भुगतते जा रहे हैं। तो ये वायु प्रदूषण से बचाव के लिए, माने हमारे द्वारा मल मूत्र त्याग करने से वायु प्रदूषण न हो, इसके लिए उसको ढकने की व्यवस्था बतलाया जा रहा है। मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके, माने मुंह बंद कर करके, माने कैसे मुंह खुला रखिएगा तो दुर्गंध वगैरह या और भी वहाँ के कुछ गंदगी वगैरह होगा गंद स्थान का, वो सब मुंह में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए मुंह को बंद रखिए। और आयुर्वेद में कहा गया है कि मल मूत्र त्याग करते समय कुछ थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है ना, तो उसमें दांत बैठा लेना चाहिए, दंती जो है जो बत्तीस उसको पीसना चाहिए, मैं चाटना चाहिए, और जब बाहर निकलने लगे तो फिर उसको ढीला करना चाहिए। यदि ऐसी क्रिया जो करते हैं उनका आयु जो है सो 132 वर्ष हो जाता है। हर कोई चाहता है कि हम लंबी आयु जिए, तो उनके लिए ऐसी क्रिया अवश्य करनी चाहिए। यानी कि बस कुछ नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ध्यान देने की बात है कि जब हम मल मूत्र को त्याग करें और बल उसमें लगाएं तो दांत चढ़ा लें, बैठा लें, पीस लें, और जब उस निकलने लगे तो ढीला कर दीजिए, बस बिल्कुल हल्का सा चीज़ है। इसी से आपका आप दीर्घायु हो जाते हैं, आपका आयु जो है 132 वर्ष, मैं 125 साल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए कहानी से अलग से हम बतला दिए, लेकिन सही चीज़ बतलाए हैं।
सांस को रोक करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। वह दंती को बिठाने की बात होता है, माने कि ज़्यादा तेज सांस लीजिएगा, हाँफने लगेगा तो क्या होगा, हवा अंदर जाना लगेगा, और यदि वहाँ पर कुछ गंदगियाँ जो होगी वो आपको अंदर चला जाएगा। इसलिए हल्का सांस तो चलेगा ही, लेकिन उसकी गति धीमी होनी चाहिए। उसके बाद अपने गुप्तांग जो हुआ, वहाँ जो पर्दा का जो अंग हुआ, उसको जल और मिट्टी से साफ करने के लिए बात इसमें लिखा हुआ है। तो जल भी शुद्ध साफ होना चाहिए, और मिट्टी जो होता है सो कुछ ऐसी मिट्टी होती है जो चिकनी मिट्टी होती है, एकदम बिल्कुल साबुन की तरह होता है, वैसा मिट्टी आप साफ सुथरा कर करके उसमें से कंकर भर निकाल के आप रखे रहिए, बिल्कुल अच्छा रहता है, उससे आपको बतलाया गया है। और बहुत स्थान पर यह आसानी से मिल जाता है, कुछ स्थानों पर थोड़ा सा कठिनता से मिलता है, कुछ स्थानों पर इसको बनाना पड़ता है, माने कंकर पत्थर सब छाट कर करके साफ सुथरा करके छान कर करके तैयार कर लिए, और कुछ स्थान पर ऐसा करना संभव नहीं है, तो ऐसे स्थान पर ऐसे मिट्टी का प्रयोग कहीं बाहर से ला करके रखना होता है। अन्यथा के युग में तो रासायनिक केमिकल साबुन मिल दिया जाता है, जो कि लाभ कम और हानि ज़्यादा करते हैं। तत्पश्चात जो हम उस दातुन करते हैं, उसके बाद दतुअन करना चाहिए, अर्थात मुख की शुद्धि करना चाहिए। दातुन और मुख की शुद्धि एक ही हुआ, और थोड़ा सा अंतर भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दातुन करना निषेध होता है, तो केवल मुख को साफ करने के लिए मुख शुद्धि करना पड़ता है। और जो ये मुख शुद्धि नहीं करते हैं ना, उनका स्नान पूजा किए हुए बेकार हो जाता है। कहने का मतलब कि इसकी महानता दिया गया कि दांत मुंह की सफाई अवश्य करिए, अवश्य रखना चाहिए। और जीभ भी बड़ा भी कर लीजिए, जीभ भी साफ कर लीजिए। हाँ, अब जो है दतुअन तोड़ने की विधि मंत्र बतलाया जाता है। ये मंत्र जो है सो आपको बोलचाल की भाषा हिंदी में दिया हुआ है, संस्कृत का प्रयोग नहीं है। तो उस वृक्ष से प्रार्थना कीजिए, उन जो हम उनको वृक्ष के जो दातुन तोड़ेंगे ना, तो उनको कष्ट होता है, तो वो श्राप भी दे सकते हैं, बुरा परिणाम भी निकल सकता है। इसलिए हम उनसे पहले ही प्रार्थना कर लेंगे कि हम आपको इस काम के लिए ले रहे हैं, आप खुशीपूर्वक हमारे साथ चलिए, क्योंकि हमको जीवन जीने के लिए सब जरूरी है, हम आपको कष्ट देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे साथ मजबूरी है, तो आप हमारी मजबूरी को देखते हुए हम पर बुरा भावना न रखें, आशीर्वाद दीजिए ताकि कि हमारा कल्याण हो और आपका भी जस बढ़े। तो ये वृक्षों की प्रार्थना हुआ। हे बृहस्पति, आप हमें आयु प्रदान कीजिए, जस दीजिए, कृति दीजिए, शरीर में तेज दीजिए, तेजवान बने, प्रजा हमें दीजिए, मैं नौकर चाकर दीजिए, परिवार दीजिए, पशु दीजिए, पशुधन, अन्य प्रकार के संपत्ति दीजिए, महाज्ञान दीजिए, ज्ञानी हम हों, बुद्धि प्रदान करिए, विद्या प्रदान करिए। ज्ञान, बुद्धि, विद्या, ये अलग अलग तीन शब्द आए हैं, ये तीनों लगभग एक जैसे हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। जैसे मनुष्य तो सब एक ही होते हैं, लेकिन कोई स्त्री होता है, कोई पुरुष होता है, कोई ब्राह्मण होते हैं, कोई क्षत्रिय होते हैं, तो सब तो मनुष्य होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, और ये थोड़ा अंतर कभी कभी बड़ा अंतर के रूप ले लेता है। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर 12 अंगुल की दातुन तोड़कर करें। तो 12 अंगुल का दातुन लीजिए, और दूध वाला पेड़ का प्रयोग कीजिए, जैसे आपको गुल्लर हो गया, बर हो गया, और कुछ उस तरह का दातुन लाइक पेड़ पौधे होते हैं। 12 अंगुल कहता है, एक बित्ता से ऊपर। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए, जब आप व्रत किए हुए हैं तो। परिवा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सुग्रहण दातुन करनी चाहिए, मैंने उससे पहले आगे पीछे अपने समय अनुसार अपना समझ लीजिए। थोड़ा सा चंद्रग्रहण सुग्रहण नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि उसके आगे पीछे स्नान पूजा लोग करते हैं ना, तो दातुन करने का मतलब वह मुख शुद्धि करना हुआ। कटेले पेड़ों का, कपास, पीपल, बरगद और निर्गिंध, इन पेड़ों का दातुन करनी चाहिए, मैंने आवश्यकता पड़ने पर। ऐसे दुधिया पेड़ जो बढ़िया दातुन होता है ना, उनका करना चाहिए, लेकिन अभाव में, विवस्था में ये सब कर सकते हैं।
पश्चात इसका भोले भांति स्नान करिए, फूल माला चंदन और पान इत्यादि से भगवान की पूजा करिए और उनको प्रसन्न करिए। भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए, मन भगवान शिव का भी कार्तिक में पूजा करिए। वहाँ सभी देवताओं का अर्घ आचमनि आदि वस्तुओं अलग अलग पूजा कीजिए। मंदिर जाइएगा तो वहाँ पर पूरा शिव परिवार होंगे या और भी कुछ देवी देवता होंगे, उन सबको पूजा कर दीजिए, किसी को मत छोड़िए। प्रार्थना करिए, प्रणाम करिए, फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिला कर करके, यदि आप बड़ा गायक हैं तब आगे आगे गाइए, और यदि आप छोटे गायक हैं या सहयोगी हैं तो बड़े गायक का सहयोग दीजिए। तो भजन कीर्तन करिए, मंदिर में जाकर गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करें, और वहाँ पर भक्त जन जो आए हैं उनकी इज्जत सत्कार कीजिए, फूलमाला दीजिए, चंदन कीजिए, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि देवस्थान में भगवत कीर्तन करने वाले भी भगवान के ही मूर्ति रूप होते हैं, अर्थात उनकी पूजा करना भगवान की पूजा करना होता है। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या योग दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। तो कुछ लोग पूर्व जन्म से ही भक्त होते हैं और इस जन्म में भी भक्त होते हैं, तो ऐसे लोग काफ़ी महान होते हैं। मगर कलयुग में भगवान गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन होते हैं। तो जो गुणवान होते हैं, भक्त होते हैं, वही भगवान को प्रसन्न करते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, उसकी चर्चा है। तो यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता। यानी कि वैकुंठ में भी रहते हैं, योगियों के हृदय में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ कहें कि नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं कहने का मतलब यह हुआ कि जब वो हमको रखते हैं तब भी रहते हैं, यदि उनका ध्यान इधर उधर भटक गया तो हम भी निकल जाते हैं, हम भी वहाँ से अपना समय देकर मौका देकर खिसक जाते हैं। लेकिन जहाँ पर कीर्तन भजन होते रहता है ना, वहाँ पर आराम से हम रहते हैं, वहाँ से हटने के मन नहीं करता है। जो मुझ चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं होती। तो भगवान के पूजन करने से ज़्यादा वो भगवान प्रसन्न होते हैं उनके भक्तों की पूजा करने से। शेरेश धथुरा गिरजा चमेले केसर और कंदार तथा कटहल के फूल और अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु पर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है और इन सब वृक्षों के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। शेरेश हुआ, धथुरा है, गिरजा चमेले केसर कंदार और कटहल। अब दूसरा सुनिए, ओरहुल कंद गिरिश जूही मालती केवरा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैंने मालती का फूल जो है सो भगवान शिव पर नहीं चढ़ता है, विष्णु पर मैं लचारियों चढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रधानतः यदि और कोई फूल मिल जाए तो इसको पालन करना चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को सूर्य नारायण पर तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं सूर्य नारायण पर तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि हम मानव लोग लक्ष्मी प्रिय होते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं। जिन देवताओं के पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हें से उनका पूजन करना चाहिए और पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। तो जो फूल को विषय में आपको जानकारी है कि जो फूल जिस देवता पर चढ़ते हैं वो फूल उन पर चढ़ाइए, और जो अनजान है नहीं जानते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से हीन हूँ, जो कुछ भी पूजा हमसे बना वो किया। ऐसी प्रार्थना करने के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम करिए, क्षमा प्रार्थना करिए और भजन कीर्तन करिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए। इस तरह से बताए गए विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुख को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये आपका पांचवा अध्याय पूर्ण हो गया। जय हिंद, जय भारत। बोले कार्तिक महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए, ताकि प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम और भी इस तरह की वीडियो बना करके आप लोग को दिखा सकें। शंकर दयाल मिश्र।
आदित्यपुर।